हे गाइज, वेलकम टू बैक अदर वीडियो। और इस बार बहुत ही कमाल की ट्रिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम बहुत से सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कूल पोस्ट डालते हैं। तो आपको एक राज बता दूं इसका, उन लोग की फोटो इतनी अच्छी क्यों दिखती है। उन लोग क्या करते हैं, सिंपल से आपको एक ट्रिक बताता हूं। उन लोग अपनी फोटो में ना कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कलर मैच बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए उन लोग की फोटो इतनी कूल लगती है और भर भर के लाइक मिलते हैं। ठीक है, तो आज इसी ट्रिक को मैं बताने वाला हूँ एकदम सिंपल से। तो इसका मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला हूँ जो भाई को फॉलो नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना और सामने भी शो हो रहा है। तो इसमें फाइनली पूरा फोटो के साथ मैं एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, वो भी फोन में। तो वीडियो में बने रहना, सब चीज़ मैं बताऊंगा। उससे पहले जो पहले चैनल पहली बार आए हैं यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको मोबाइल में अपना लाइटरूम ओपन कर लेना है और वो फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये फोटो इंपोर्ट कर लिए हैं और ये आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉप करके हम लोग इसका इंस्टाग्राम का साइज ले लेते हैं, जो मिनिमम आपको पता होगा 4:5 का रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 4:5 को टिक कर लेते हैं और इसका सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टिक करना है। अब आपको इसमें ये ऑप्शन ध्यान रखना है कि हमको कौन सी कलर को सबसे अच्छी ज़्यादा रखनी है और बाकी कोई कलर नहीं रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पहले लाइट पे जाना। हम लोग बेसिक करेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि इसका कॉन्ट्रास्ट हल्की फुल्की बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है इसमें। ठीक है, एंड शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारे शैडो बहुत है फेस पे, एंड वाइट टोन बहुत ज़्यादा झलक रही है तो हम लोग इसको कम कर लेंगे, एंड ब्लैक को और कम कर लेंगे ताकि पूरा नेचुरली देखो इसका डिटेलिंग आ गया है। एंड अब क्या करना है, इसमें जा रहा कुछ नहीं, सेकंड स्टेप में चलते हैं। ठीक है, यहाँ से टैंप हम लोग को येलो की तरफ करना है, हल्की ब्लू टोन चाहिए, एंड इधर को पर्पल की ओर कर देंगे। ठीक है, और वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जब हम कलर करेक्शन करें, कलर ग्रेडिंग, तो अच्छे से पहचान पाए। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सीधे यहाँ आते हैं मिक्स ब्रश में। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको हर एक जगह ये काम आने वाली ट्रिक, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जो आपकी टोन रखनी है फोटो में, जैसे मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि चलो ऑरेंज टील रखते हैं। ठीक है, आप लोग बोलोगे यही क्यों रखते हैं, तो सिंपल से फोटो में ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, आप कोई भी कर सकते हो, मैं ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मूडी फेस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वो दो कलर, जैसे कि मैं ब्लू और टील में हमारा फेस भी आ जाते हैं, तो ये दोनों को छोड़ के आपको सबका सैचुरेशन पहले डाउन कर लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये दोनों कलर छोड़ देंगे, येलो का सैचुरेशन डाउन कर लेते हैं हम लोग, एंड ग्रीन का सैचुरेशन डाउन कर लेते हैं, और इसका हल्का फुल्का कर लेते हैं, एंड ब्लू तो रहेगा ही, एंड पर्पल कर लेते हैं, एंड पिंक का कर लेते हैं। देखो इतना कर लिया, अब हम लोग अब क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा रेड को कर लेंगे लिपस्टिक का, ये आपका सॉरी लिपस्टिक बोलते हैं होठ का। अब हमको येलो थोड़ा सा क्या हेयर पे चाहिए यार। ठीक है, हेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल्की सी येलो को रखेंगे। ठीक है, एकदम हल्का रखना है येलो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड अब हम लोग फेस को थोड़ा सा ग्लो कर लेंगे, यहाँ से लुमिनेंस हम लोग फेस को ग्लो कर लेते हैं, और पीछे भी सिलेक्ट हो रहे हैं वो, उसको अभी हम बाद में देखेंगे, फाइनल पहले इसको कर लेते हैं, एंड येलो की थोड़ी सी ल्यूमिनेंस को डाउन कर लेते हैं ताकि ये दिखे। ठीक है, एंड ब्लू को हम लोग थोड़ा टील देने के लिए इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस में करेंगे तो ये टील में आ जाएगा, एंड टीली को थोड़ा सा सैचुरेशन को हम लोग ब्लू को बढ़ा देंगे। देखो फाइनली हमारे फोटो में इतना हो चुका है, एंड येलो को थोड़ा सा हम लोग और कम कर लेंगे, ज़्यादा ही दिख रहे हैं। ठीक है, इतना पे क्या करना है, हम लोग को डन कर देना। ठीक है, ये हमारा कलर मैचअप बहुत अच्छे से हो चुके हैं, देखो पहले कैसे थी, अब देखो कैसे हो चुकी है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से क्लैरिटी में जाएंगे, टेक्सचर को हम लोग प्लस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, एंड क्लैरिटी को हल्का देते हैं, थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा डेंजरस ग्रेवी लुक में, आई मीन एक गैंगस्टर लुक मिल जाए, एंड विग्नेट को हम लोग कम कर लेते हैं अभी, एंड मिड टोन को उसी प्रकार कम करके हम लोग फेदर्स को बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि एक अलग से ग्लो ऐसे डार्क साइड से दिखे। ठीक है, स्प्लिट टोन में हम लोग क्या करना है, देखो सबसे पहले येलो टोन तक इसको सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन देखना हमको कितना चाहिए, तो इतना काफ़ी लग रहे हैं। शैडो को क्या करना है, हम लोग को ब्लू टोन पर जाके थोड़ा सा बढ़ा के देख लेंगे, ये हमारे पे अच्छा दिख रहे हैं, एंड डन करते हैं। ठीक है, शार्पनेस को हल्की बढ़ा के, मास्किंग को आप लोग दो उंगली से टच करके करना है तो आपको पूरी प्योर मास्किंग इसकी दिख जाएगी, देखो लगभग बहुत अच्छी हो गई है। एंड लास्ट वाले ऑप्शन में दोनों को आपको टिक कर लेना, तो जितनी भी नॉइस रहेगी वो आपको रिपेयर हो जाएगी। देखो फाइनली हमारे फोटो में बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, अभी और स्टेप बाकी है। देखो ये देखो बिफोर आफ्टर, अब क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा फेस के साथ ये के कारण ये हम लोग ऑरेंज टील नहीं दिख रहे, तो इसका बैकग्राउंड करने के लिए देखो यहाँ से एक सिलेक्टेड टूल दिया गया है,
यहाँ से हम लोग सिलेक्टेड टूल यूज करेंगे, इसको पहले ब्रश में कहीं भी चला देंगे, ठीक है। चलाने के बाद सबसे पहले इसकी सैचुरेशन को हम लोग डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लाइट में चलते हैं एंड यहाँ यहाँ आते हैं, इसमें आके कहाँ पे है आपका सैचुरेशन, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गायब हो गया, ये हमारा यहाँ स्टैम्प पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है, पूरा ब्लैक दिखे ताकि आपका, ठीक है। और बाकी ये भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जूम करना है आपको एंड आपको ब्रश चला लेना है, देखो जहाँ जहाँ हम लोग को सैचुरेशन नहीं चाहिए ये पार्ट को हम लोग को ब्रश चला देना अच्छे से। आप लोग जैसे मैं चला रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से करना है ध्यान से, क्योंकि यही आपको बहुत अलग लुक देने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको यहाँ से, देख लो तरीका कैसे होता है, वैसे ही आपको हूबहू सेम करना है। एंड एक तरफ का हो गया है, दूसरी तरफ का करते हैं। और ये बता रहा हूँ ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी बता दूंगा आपको चलते चलते। इसको इसलिए किया जा रहा है, देखो यार अगर ये पाइप सेम फेस के कलर पे आ रही है तो इसका भी सैचुरेशन हो रहा है, तो हम लोग जो फाइनली फेस को ग्लो करेंगे तो साथ में ये ग्लो हो जाएगा, तो हमारा एक अलग से मॉडल चमकेगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइनली इसको पूरा कर लेते हैं, ये देखो। अब देखो मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ, देखो कितना अच्छे से दिख रहा है अब हमारा मॉडल निखर के। इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं एंड डिज़ायर थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा अंधेरा दिखे और हमारा मॉडल एकदम चमक के है। देखो फाइनली हमारा इतना कर लिया है, देखो कितना अलग दिख रहा है अब, ओके कर लेते हैं। देखो पहले क्या थी अब देखो क्या हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन और बचे हैं, दिखाता हूँ। जैसे कि अब हम लोग इस पर थोड़ा सा अप करने के बाद यहाँ से फिर कलर में जाएंगे, हमारा जो टैम्प है उसको माइनस कर लेके जाएंगे थोड़ा हल्का, एंड मिक्स कलर में क्या करते हैं हम लोग जो टीली वाला है हम लोग को उसका लिमिनेंस को बढ़ा देते हैं, एंड ब्लू का थोड़ा सा अच्छा एक निखर गया है, ठीक है। एंड पर्पल में थोड़ा सा डार्कनेस डाल देते हैं, ठीक है। येलो में थोड़ा डार्कनेस डाल देते हैं एंड हल्की सी सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड फेस को थोड़ा सा येलो टोन देते हैं, ठीक है। ये देखो हमारी कुछ ऐसी हो गई है, ठीक है। अब देखो फाइनली हमारे येलो एंड टिली टोन हो चुकी है, अब आपको ओके करना है। अब आपको एक बोके लगा लेना है, ठीक है। आपको बोके कैसे बनाना है, या तो आपको नहीं बनाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बोके का, आपको PNG वहाँ से जाके आपको कर लेना है। तो बोके कहाँ से लगाना है, पिक्सआर्ट में लगाना है, तो उससे पहले हम लोग इसको शेयर करके सेव कर लेते हैं और सीधा पिक्सआर्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली पिक्सआर्ट पे चलते हैं अपन, तो फाइनली पिक्सआर्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत करेक्शन करते हैं फिर PNG लगाना है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले इसका फेस थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ BT में जाएंगे और फेस का स्मूथ मैं ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो इस पर पूरा बना चुका हूँ, इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिसको देखना है आई बटन पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ब्लेम फिक्स करते हैं एंड इसको हल्का हल्का टच देके हम लोग देखो इस तरह कुछ करना है आपको, एंड थोड़ा सा ब्रश को बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ऐसे करके हम लोग को थोड़ा थोड़ा टच कर लेना है, ठीक है। जैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग पूरा ऑटोडेस्क में इसका जो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा वहाँ जाके आप लोग पूरे चेकआउट कर लेना। सेम इसी तरह फेस ग्लो करना है, उसमें मैं टेक्स्चर समेत टेक्स्चर विद पूरा थोड़ा स्मूथ करना बताया हूँ, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो चुकी है जैसे भी, ये देखो, ठीक है। एक स्टेप बैक कर लेते हैं और हम लोग अब इस पर ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ी बहुत हम लोग सबसे पहले इसमें हेयर को थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट करेंगे, टूल में यहाँ से जाएंगे और ये देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, ये देखो स्ट्रेच वाला ब्रश को ले लेना और ये वाला वर्फ सबसे शुरू वाला ब्रश को ले लेना है एंड इसको टच करके हम लोग इसका साइज़ को बढ़ा के थोड़ा सा पावर सेम रखना है, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड इसको ऊपर की ओर करना है, ये देखो हल्की से, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ओवर नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। थोड़ा सा नेचुरली दिखे और थोड़ा बहुत खींचना है, ये रियल बाल को बहुत अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके टेक्स्चर दे देते हैं, देखो बहुत अच्छे से हो गया है, ओके कर देंगे हम लोग। अब फाइनली बोके को ऐड करते हैं, तो बोके को ऐड करने के लिए यहाँ से हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे और ये बोके का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसको यहाँ से ऐसे करके लगा लेते हैं एंड अब थोड़ी बहुत क्या करना है हम लोग, में इस करेक्शन थोड़े से इसके सैचुरेशन कम कर लेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से जाना है हम लोग को कलर में जाना है एंड इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं इसका ह्यू को, ठीक है।
यहाँ से देखते हैं कौन से ही वो अच्छा दिख रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको रेड में रख लेते हैं, ठीक है, एंड मर्ज कर लेते हैं और फिर ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी को या पहले इसका ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छा हो चुका है। इसकी ऑपेसिटी को हम लोग हल्का सा डाउन कर लेंगे ताकि थोड़ा सा रियल टाइप का दिखे, एंड ओके। तो देखो सो गाइस, फाइनली हमारी प्योर एडिट हो चुकी है। देखो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगा इतनी झकास फ़ोटो एडिट करने में, तो आप लोग भी जाओ भर भर के लाइक पाओ, ऐसी फ़ोटो एडिटिंग करो। और इसमें जितने भी भाई PNG यूज किए हैं आप लोग अलग से भी कर सकते हो, आप अपना जैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, मैं फाइनली इतना करके बताया हूँ, बहुत कमी बहुत अच्छा कर दिया हूँ। तो जो वीडियो को भाई अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहती हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।